गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो है ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमेजिया, गायनेकोमेजिया का ग्रेड या गायनेकोमेजिया की क्लासेस किस तरीके से डिफाइन होती है। देखिए, ग्रेड वन क्या होता है, आपका सिर्फ निप्पल पफी है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, कोई भी स्किन एक्स्ट्रा नहीं है, आपके सिर्फ निप्पल पफी होना शुरू हो गए हैं, अंदर आपका ग्लैंड बन गया है और हल्का हल्का सा फैटी टिश्यू है, ये है आपका ग्रेड वन। अब है नंबर टू ग्रेड सेकेंड का मतलब है कि आपका फैट भी बहुत ज़्यादा हो गया है और लेकिन ड्रूपीनेस होना शुरू नहीं हुई है, मतलब स्किन एक्स्ट्रा शुरू नहीं हुई है, सिर्फ आपका आगे प्रोजेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है और फैट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ग्लैंड तो साथ में है ही, इसका मतलब है ग्रेड सेकेंड। ग्रेड थ्री का मतलब है कि आपके ड्रूपीनेस शुरू हो गई है, मतलब स्किन एक्स्ट्रा हो गई है, आपके जो आपका निप्पल है वो नीचे आ गया है हल्का सा, आपका जो जहाँ पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ फैट वेट और ग्लैंड वेट, और आपका नीचे ड्रूपीनेस शुरू हो गई, तो वो हुआ ग्रेड थ्री। अब है ग्रेड फोर मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट लाइक अ फीमेल ब्रेस्ट, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो वो है ग्रेड फोर। तो इस तरीके से ग्रेड वन सेकेंड थ्री और फोर डिफाइन होता है, जिसमें आपका इस तरीके से होता है। इसके बाद हम लोग 1A, 1B, 2A, 2B भी बोलते हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो साइंटिफिक टर्म्स में ज़्यादा आता है, तो इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप बस 1, 2, 3, 4 आप मतलब ध्यान रखिए, उसी हिसाब से हमारी कॉस्टिंग है, उसी हिसाब से हर चीज़ है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है, उसी हिसाब से रिकवरी है। थैंक यू वेरी मच।